तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से खबर आ रही है, जहां यात्री बस में गांजे की खेप लेकर जा रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बस को रोककर जब महिला द्वारा लिए गए सामानों की तलाशी ली गई तो झोले में रखा गांजा मिला है। महिला के कब्जे से तकरीबन 25,000 का गांजा बरामद किया गया है। गांजे की यह खेप मानवती पटेल नाम की महिला द्वारा रीवा से बैकुंठपुर ले जाई जा रही थी। महिला बैकुंठपुर के रावरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जो बैकुंठपुर कस्बे में गांजा बिक्री का कारोबार संचालित कर रही थी। तो इस वक्त की यह खबर रीवा से, जहां बैकुंठपुर थाना प्रभारी दीपक मिश्रा ने यात्री बस से गांजे की खेप लेकर जा रही महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से तकरीबन 25,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा महिला के विरुद्ध NDPS एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इधर इधर